Assalamualaikum, hi friends, I am Skrilli and you are watching Technical Bajwa. दोस्तों यहाँ पर हम PUBG टेस्ट करेंगे न्यू प्रोसेसर के साथ Vivo Y21T का. यहाँ पर देखेंगे PUBG में कैसा रहता है ये फ़ोन, बैटरी कितनी ड्रेन करता है, हीट होता है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे. तो Vivo Y21T की पाकिस्तान में प्राइस 34,000 रुपये, 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 680 वाला है, 6 नैनोमीटर वाला, 5000mAh की बैटरी है, IPS LCD वाला डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है दोस्तों. तो यहाँ पर बैटरी रिमेनिंग है 44%. बैटरी का खर्चा देखेंगे कितना है दोस्तों. यहाँ पर जैरोस्कोप का ऑप्शन अवेलेबल है, ऑलवेज ऑन. यहाँ पर रिवर्स जैरोस्कोप भी अवेलेबल है. ग्राफिक्स देख सकते हैं स्मूथ में, हाई में, एंड यहाँ पर बैलेंस में मीडियम क्वालिटी हम प्ले कर सकते हैं. स्मूथ में, हाई सेटिंग्स में खेलते हैं दोस्तों. यहाँ पर 2 से 3 मिनट्स होने वाले हैं. यहाँ पर टेम्परेचर चेक करते हैं. कमरे का टेम्परेचर 18 डिग्री है, बैक साइड से 26 है, और बैक साइड से यहाँ पर 25 डिग्री है. स्क्रीन साइड से 27 टेम्परेचर है, और स्क्रीन के डाउन साइड से तकरीबन 28 डिग्री है. यहाँ पर दोस्तों पबजी हम प्ले कर रहे हैं जायरोस्कोप के साथ. वैसे मुझे खेलनी नहीं आती, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए टेस्ट कर रहे हैं हम. ठीक ठाक जा रही है अब तक परफॉर्मेंस दोस्तों, और यहाँ पर लैग का प्रॉब्लम अब तक मिला नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है दोस्तों प्ले करने में. अब तक स्मूथ जा रही है, अब तक तो लैग का प्रॉब्लम नहीं मिला. 4GB रैम के साथ 680 प्रोसेसर जो है, लेकिन HD में हाई सेटिंग्स होते तो फिर तो मज़ा आ जाना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं. मतलब कि इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं है. ओवरऑल हीटिंग इशू देखेंगे एंड में होता है या नहीं, और परफॉर्मेंस कैसी रहती है अब एंड में ही पता चलेगा.
दोस्तों यहाँ पर पबजी टेस्ट हो गया है कंप्लीट। हमने तकरीबन 24 मिनट यहाँ पर पबजी को टेस्ट किया है, फुल ब्राइटनेस थी दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा सा साउंड भी हमने ऑन किया था ताकि हमें फुली पता चल सके कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ओवरऑल अब तक ठीक परफॉर्मेंस है, स्मूथली प्ले हुआ दोस्तों, और यहाँ पर लैग की प्रॉब्लम अब तक नहीं मिली दोस्तों इस हिसाब से। तो ओवरऑल 4GB रैम के साथ ठीक ही परफॉर्मेंस रही, हीटिंग प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। हम चेक कर लेते हैं, रूम टेम्परेचर है 17 डिग्री, फ़ोन बैक साइड से 28 है, बैक साइड से अप साइड से 28 है, यहाँ पर स्क्रीन भी 28 है और अप साइड से 30 डिग्री है। तो फ़ोन इतना हीटअप नहीं हुआ और बैटरी से रिमेनिंग है 39%, 5% बैटरी का खर्चा हुआ है 24 मिनट में, जो कि मैं समझ रहा हूँ काफ़ी अच्छा खर्चा हुआ है। ब्राइटनेस भी फुल थी, अगर ब्राइटनेस नॉर्मल करके प्ले करेंगे तो और कम खर्च होगा बैटरी का, लेकिन हीटिंग प्रॉब्लम हुई तो बैटरी और ज़्यादा कंज्यूम होगी, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी मसला नहीं लगा मुझे दोस्तों। ओवरऑल पबजी के लिए दोस्तों मुझे ठीक ठाक लग रहा है ये फ़ोन, अब तक परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही, लेकिन 8GB रैम होती तो मैनेजमेंट और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पबजी टेस्ट आपके सामने हमने किया, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।